उनको अंदाजा नहीं था हॉस्पिटल रीजन की बाहर की तरफ आ चुके, बट ये ड्राइविंग स्किल कहीं उनको ले ना डूबे यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। बट यहाँ पर जोनाथन क्या उन्होंने उस चलती गाड़ी से निकाला, जी हाँ चलती गाड़ी से उन्होंने नॉकआउट वहां पर करा था, पर उसी बीच उनका भी नॉकआउट हमें देखने को मिल जाएगा। फाइट फिलहाल के लिए फिलहाल तो वेलोसिटी के विपरीत जाती नजर आ, क्योंकि नंबर्स का एडवांटेज बिल्कुल भी यहाँ पर बचा नहीं है। लेकिन जैसा मैं देख पा रहा हूँ नियो एंड जोनाथन को नॉकआउट करने के बाद उम्मीद है उनकी भी यहाँ पर बनी रहेगी, लेकिन एस पावर सब कुछ आपके ऊपर है और जी हाँ वो निकालेंगे भी 1v3 और इस फाइट को भी एक भी कैजुअल्टी खाए बगैर। बट जोनाथन का क्या लाजवाब था, मतलब पहले में उनको पता चल जाएगा यहाँ पर, तो ट्राई जरूर करें। बट क्या फिर से एक फाइट हमें देखने को मिलती नजर आएगी, जी हाँ एक और मच अवेटेड फाइट जो देखने को मिलती नजर आती है। जी हाँ गॉड लाइक ब्लाइंड तो आप देखते रहते हैं यहाँ पर, बट सीम सोर वर्सेस ब्लाइंड भी देखना जरूरी है यहाँ पर। फिलहाल के लिए अक्षत यहाँ पर जरूर नॉकआउट निकाले, बट फिलहाल के लिए खेरा किया जरूर जा रहा है और ब्लाइंड का भी शायद ऐसा लग रहा है कि कहीं एलिमिनेशन आ जाए, लेकिन एक कुछ थर्ड पार्टी शॉट भी शायद कहीं से, तो मुझे लग रहा है शायद टीम सोल को परेशान यहाँ पर कर रहे हैं। बट इससे पहले थर्ड पार्टी ना आ जाए उससे पहले ही यहाँ पर खात्मा करके दिखाना पड़ेगा। बट अक्षत को भी वहां पर नॉकआउट कर दिया जाएगा, नियो इज अ लोन मैन वॉरियर, बट उनको भी खत्म करेंगे यहाँ पर नकुल। और ये जो मैं बात कर रहा था थर्ड पार्टी की, जी हाँ वो कोई और नहीं 8-bit थी यहाँ पर, और अब हो सकता है कि सक्सेसफुली वो थर्ड पार्टी भी करती नजर आ जाए। मौका नहीं देना भाई पड़ेगा यहाँ पर, मौका दे दिया गया तो यहाँ पर रिवाइवल का तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है। सीधा जाएंगे यहाँ पर बाकी में सही टाइम पे बैठे, और उतरते ही जैसी उतरते हैं तो उनपे भी वो सारी की सारी बुलेट्स वहां पर आर पार कर दी। और टीम ब्लाइंड भी मुझे लग रहा है कुछ ही देर का बस इंतजार रहेगा, जब तक ये स्मोक है तब तक सांसें चल रही आपस नकुल की, लेकिन उसके बाद भी खत्म कर दी जाएंगे। 1v2 बाय बीस्ट, कोई ज्यादा परेशानी हुई नहीं यहाँ पर, लेकिन जल्दी